14 हो चुके हैं। गुड इवनिंग दिव्यांशु, लेट कैसे हो गए दिव्यांशु? अच्छा सर ज्वाइन करने में दिक्कत। ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी। कितने लोगों ने कल का जो एक पार्ट बचा हुआ था वो क्वेश्चन किया है? आंसर सबके सामने है स्क्रीन पर। कितने लोगों ने किया है ऑनेस्टली बताना, क्योंकि तो सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आंसर दिया हुआ है। दिव्यांशु ने किया है? दिव्यांशु किया है आपने? नो सर, नीलम किया आपने? नीलम किसी और ने किया है क्वेश्चन? नहीं, ओनली एक पार्ट दिया था ना मैंने आपको, एक पार्ट मैंने कल करवा दिया था आपको। आपको वो मेथड भी बता दिया था कैसे करना था। यही क्वेश्चन था? रेस्पॉन्स तो करो। हाँ ना, मैं कुछ यस सर। उसमें क्या था, पहले क्या किया था हमने? पहले हमने क्या किया था, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बावजूद, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही बनाया, उसके बाद में हमने नॉर्मल रिएक्शन फाइंड की। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के बाद में, नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड की, इसका एक कंपोनेंट था, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट किए, सिग्मा एफ वाई हमने अप्लाई किया। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फाइंड की, नॉर्मल रिएक्शन से हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड की उसमें, और फिर हमने एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था उस वो दोनों कंपोनेंट को, इस एक्स डायरेक्शन में एफ टू का एक कंपोनेंट लग रहा था, एफ टू कॉस 53, इसको और एफ वन को ऐड किया तो आपका 35 आ रहा था मैक्सिमम। ये 35 जो था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट पड़ा था, उससे ज्यादा था। इसीलिए हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हमने जो अब इससे पहले कंडीशन बता दी, तीन कंडीशन मैंने आपको, उन कंडीशंस के बेस पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, जो आपका अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाता, 35 न्यूटन। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आता था, आता आया था, और आपका एक्सेलरेशन क्या था, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपका 0 आया था एक्सेलरेशन। उसके बाद
उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन था आपका एफ इक्वल टू क्या था दूसरे वाले में 50 न्यूटन, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन। अभी अभी हमने जो कल देखा था मैजिक ट्रायंगल क्या था, मैजिक ट्रायंगल ये मान लो 37, ये 53, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था कि नहीं सर? यस सर। तो हमने क्या किया, इधर से क्या किया हमने कि सिंपली पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो फिगर था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसका एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन था फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा था और वेट नीचे लग रहा था, ये जस्ट पीछे वाले की तरह जैसा हमने पहले किया था। अब cos 53 की वैल्यू क्या होगी, cos 53 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, 3/4 यहां से इस ट्रायंगल से cos 53 की वैल्यू 3/5 क्या होगी, 5/5। हाँ 3/5। सिमिलरली sin 53 की वैल्यू क्या होगी, sin 4/5, sin 53 की 4/5। अब देखो यहां से अब f cos 53 है आपका पॉजिटिव x डैश, अभी हमको क्या करना है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो क्या मैं सिग्मा f y इक्वल टू 0 अप्लाई कर दूं इस वाले मास पे, सिग्मा f y इक्वल टू 0 अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या है आपका एक तो n है, दूसरा क्या है आपका f sin 53, f sin 53, और तीसरा क्या है माइनस डाउन वर्टिकल डाउनवर्ड क्या है कैपिटल एम जी इक्वल टू 0। तो यहां से n क्या आएगा आपका, n n आएगा आपका, m क्या है आपका 10 है ना, और g क्या है 10 इंटू f क्या है आपका f इंटू क्यों माइनस आएगा ना माइनस, ये f 50 f है ना इस केस में, दूसरे वाले केस में f 50 sin 53 की वैल्यू क्या है sin 53 की 4/5, तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स ही कट गया, तो ये क्या हुआ 100 माइनस के 40 कितना आया 60 न्यूटन आया, नॉर्मल रिएक्शन आपकी 60 न्यूटन आ गई, यस सर आई ना 60 न्यूटन। अब देखो आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, एफएस मैक्स निकाल लो, एफएस मैक्स, अब देखो आपको एफएस मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालना है, अभी अभी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या आएगा μs इंटू एन, μs इंटू μs क्या है आपका 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये रहा 0.5 μs, 0.5 इंटू 60 कितना आया 30 न्यूटन आया कि नहीं आया, आया ना, यस सर। अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन था आपका 30 न्यूटन है, अभी हमें ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा वो कौन सी कंडीशन डिसाइड करेगी कि आपका जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो, क्योंकि मूव कौन सा फोर्स करा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है पहले इन दोनों का सम निकाल लेना है, इन दोनों का सम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे कि सिग्मा एफ एक्स आप निकालो पहले, एफ एक्स क्या है 20 प्लस एफ cos 53 है कि नहीं, अरे पॉजिटिव एक्स में एक ये कंपोनेंट लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो ये 20 है ये cos 53 है, देखो 20 प्लस f क्या है 50, cos 53 की वैल्यू क्या है 3/5, अरे 3/5 ये आप ही क्यों बताइए, तो ये देखो 10 टाइम्स कट गया, यहां से क्या आया 20 प्लस 30 कितना आया 50 न्यूटन है कि नहीं 50 न्यूटन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स आ रहा है 50 न्यूटन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 30 न्यूटन, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, यस सर मूव करेगा बेटा, मूव इसलिए करेगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसीलिए आप कंडीशन भी लिख दो चाहे आप कि एफ एस max is less than sigma fx, इसकी वजह से object will move, object will start moving,
अब देखो जब मूविंग स्टार्ट कर देगा तो क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हट जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा भैया हमारा कोई काम नहीं है, अब हमारा कोई काम नहीं है, अब काम आएगा किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पर निकालेंगे, एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। तो म्यू के इंटू एन, म्यू के क्या है आपका 0.4 है कि नहीं 0.4, अरे 0.4 है, देखो 0.4 है म्यू के इंटू एन क्या है आपका, एन आपने कितना निकाला है 60 न्यूटन। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एफ के, आप एफ के आएगा 24 न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा जो एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 10 केजी ब्लॉक पे, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 24 न्यूटन। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके? यस सर, न्यूटन सेकंड लॉ। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए, एफ एक्स क्या है आपका, देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लग रहा है कि नहीं, अरे हमने ये निकाला है ना सिग्मा एफ एक्स। यस सर, एफ एक्स, और हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में निकाला, क्या इसमें से फ्रिक्शन माइनस करेंगे हम, फ्रिक्शन माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे सर? करेंगे, या फिर यहाँ पे इसको और अच्छे से लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस के फ्रिक्शन इन काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, ये लिखो आप इसको, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 24 है कि नहीं, ये निकाला है आपने, और एम कितना है आपका 10 केजी इंटू एक्सेलरेशन ए। अब इधर से देखो कितना आया 26 आएगा, यहां से 56 में 50 में से 24 माइनस करेंगे 26 आएगा कि नहीं? यस सर। तो 26 इक्वल टू 10 ए, तो क्या ए इक्वल टू 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा एक्सेलरेशन? यस सर। बस क्वेश्चन सेम था जैसा मैंने आपको कल बताया था, सेम मेथड था, बस उसमें ये सेकंड लॉ अप्लाई नहीं किया था, इसमें सेकंड लॉ अप्लाई किया है, बस इतना डिफरेंस था, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं था, कंसेप्ट सेम था बिल्कुल एग्जैक्टली। क्लियर है ये क्वेश्चन अब? यस सर। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फ्रिक्शन, रोल ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग। जब आप चलते हो तो आपके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है? अच्छा आप बताओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता होगा, आगे या पीछे? पीछे, क्योंकि आपने ये सुना है कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यही ना मतलब, जैसे अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। यस सर। क्या आप, आपने देखा है कि जब गाड़ी मूव कर रही हो या फिर आप जोर से तेजी से मूव करके जा रहे होते हो, तो अगर आप कच्चे रास्ते में जा रहे हो, रेत वाले रास्ते में जा रहे हो, तो अपने आप अपने रेत को पीछे की तरफ धकेलते जाते हो। यस, आगे लगता है, देखा है, आगे लगता है, पीछे की तरफ धकेलते हो कि नहीं? हैं, अच्छा आगे किसने बताया है, आगे मैंने, आर्यन, आर्यन के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता है, क्या आर्यन बताओगे आप कैसे लगता है आगे, कुछ भी एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो इसके बारे में? सर हम पीछे को फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट साइड लगता है फ्रिक्शन। दिव्यांशु भी आगे बोले, दिव्यांशु आप बताओगे कैसे लगता है आगे? सर हम पैर से फोर्स पीछे को लगाते हैं जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली बोला है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी इसी में, जस्ट देखो एक्चुअली हम क्या करते हैं, क्या हम जो हम फोर्स जो लगाते हैं क्या इस डायरेक्शन में लगाते हैं ग्राउंड पर? भाई हम किसी एंगल पर ही तो फोर्स लगाते हैं, खड़े नहीं है, जब हम आगे चलते हैं तो क्या जमीन को पीछे की तरफ धकेलते चलते इस वाले फोर्स से, धकेलते कि नहीं पीछे? पीछे तक क्या जमीन भी हमारे ऊपर जो ग्राउंड थी वो क्या हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, लगाएगी कि नहीं? जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कॉन्टेक्ट फोर्स का पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। ये मान लो, ये मान लो इस एंगल से थीटा एंगल पे है, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा? यस सर।
तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है पैरेलल टू द सरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। अभी देखो और थोड़ा सा समझो, अभी देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, पैरेलल टू द सरफेस बोलते हैं हम फ्रिक्शन, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है वो क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये होता कैसे है, आप देखो जब आप रेस्ट पे खड़े हुए हो, जब आप रेस्ट पे खड़े हुए हो तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, और वो सॉरी आपका वेट सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। जैसे ही आप मूव करना स्टार्ट करते हो आप अपनी बॉडी को तो आगे ले जा रहे हो, लेकिन पैर से क्या जमीन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हो उस टाइम पे, करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. आप थोड़ा सा फील करो, आपको ऐसे फील नहीं आएगा, मान लो आप थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाओ जहां पर रेती पड़ी हो, जो लगाते हैं घरों में ईटों के साथ में सीमेंट में मिक्स करके, वो फैली पड़ी हो, आप वहां पर थोड़ा सा दौड़ के देखिएगा तो आप देखोगे कि अपने पैर से पंजे से एड़ी तो उठ जाती है ना चलते टाइम पे, एड़ी उठ जाती है, पंजे से आप उस रेती को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हो, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश। इसका मतलब हम जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं, अगर हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ जमीन पे फोर्स लगाते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा? यस सर। लगेगा कि नहीं? यस सर। देखो हम बॉडी की मोशन को देखेंगे तो बॉडी तो आगे जा रही है, बॉडी आगे जा रही है, लेकिन अब पैर के और ग्राउंड के फ्रिक्शन फोर्स तो पैर के और ग्राउंड के बीच में लगेगा ना, बॉडी के बीच में तो नहीं लगेगा, बॉडी तो कॉन्टेक्ट में नहीं है, पैर कॉन्टेक्ट में है ना, ये वाला सरफेस कॉन्टेक्ट में है ना, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स तो इनके बीच में लगेगा। और आप एक चीज और देखोगे, आप फिसलते हो, जब आप फिसलते हो, मान लो बारिश हो गई, बारिश में जब आप चल के जाते हो तो आप अपने आगे वाले नाखूनों को, आगे वाले जो साइड होती है उसको थोड़ा सा जमीन में ज्यादा अच्छे से दसा लेते हो, दसाते हो कि नहीं? यस सर। जब आप अगर कोई फिसला होगा ना बारिश के टाइम पे, थोड़ा मिट्टी वाले जगह पे फिसल के गिरा होगा अगर बचपन में, तो आप देखोगे जब आप चलते हो तो आप फिसलते तभी हो जब आप जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, आपके ऊपर अगर आगे की तरफ फ्रिक्शन नहीं लग पाता है तभी आप फिसलते हो, अगर आपको फ्रिक्शन उतना लग जाता है तब आप नहीं फिसलते। चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसी का, सेम एग्जाम्पल होता है आपकी बाइक या फोर व्हीलर हो, आपकी कच्चे में खड़ी हो, कच्चे में आप एक साथ एक्सीलेटर दबाओ तो मिट्टी को क्या आगे फेंकती है पीछे फेंकती है? पीछे फेंकती है। क्यों फेंकती है? क्योंकि वो जो गाड़ी थी, गाड़ी का जो व्हील था वो आपकी ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा था वो, और ग्राउंड उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही थी आगे की तरफ, जो ग्राउंड थी वो उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रही थी, तो जब वो गाड़ी का पहिया बैकवर्ड फोर्स लगा रहा था, अगर पक्के रास्ते पे गाड़ी खड़ी हुई है तो पहिया मिट्टी पीछे की तरफ नहीं फेंकता, अगर कच्चे रास्ते पे खड़ी हुई है तो देखा होगा धूल धूल पीछे की तरफ फेंक देता है, धूल किस लिए फेंकता है? क्योंकि वो जो ग्राउंड था उतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता, इसीलिए उस धूल को पीछे फेंक देता है। अगर वो ग्राउंड उतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर पाता उसके ऊपर, तो सेम टू सेम होता है व्हील के साथ में, जब गाड़ी आपकी फोर व्हीलर चल रही होती है, जिस व्हील में गियर होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिन पहियों में गियर होता है, जैसे साइकिल का पीछे वाला पहिया हुआ, बाइक का पीछे वाला पहिया हुआ, इन दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है ना कि पीछे की तरफ, समझ रहे हो? हमारा दिमाग में क्या होता है कि भाई मोशन हो रही है, जस्ट उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगे, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया था, दो लोगों के अलावा आदित्य और दिव्यांशु, ये दो लोगों ने बताया कि सर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो समझ में आ रहा, ऐसे समझ में आया तब भी ठीक, आपको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ये वाला जो कॉन्टेक्ट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझो, कि आपका नॉर्मल रिएक्शन वेट इसका ऐसे लग रहा है, इस पर्सन का वेट ऐसे लग रहा है, मान लो वेट ऐसे लग रहा है, इसका एक कॉन्टेक्ट फोर्स होगा रिएक्शन फोर्स, उसका जो पैरेलल कंपोनेंट था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है उसका पैरेलल टू द सर्फेस जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, और परपेंडिकुलर टू द फोर्स होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर।
अभी देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है कि पुशिंग इज इजियर देन पुलिंग, मतलब किसी चीज को खींचना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू किसी चीज में धक्का मारने के। किसी चीज को खींचना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू किसी चीज में धक्का मारने के। ये देखो ये बंदा धक्का मार रहा है, ये बंदा खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है। वन नंबर वाले सभी खींच रहे हैं, ये क्या धक्का मार रहा है? टू स्टार्टिंग में देखो, ये देखो धक्का मार रहा है कि नहीं मार रहा है धक्का? यस सर, ये धक्का मार रहा है। इसका मतलब पुशिंग और पुलिंग में कुछ तो डिफरेंस होता होगा। पुशिंग यस सर। अगर अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि आपको इजीली समझाऊंगा मैं, आप अगर किसी चीज को उठा रहे हो, जैसे चलो ये देखते हैं, कैलकुलेटर दिख रहा है आप मेरे हाथ में, आपको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। जैसे मैं अगर इसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इस पे आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ क्या कर रहा हूँ मैं, पुश करते हुए आगे की तरफ धकेल रहा हूँ कि धकेल रहा हूँ? यस सर, पुश करते हुए। तो देखो मैं ये फोर्स जिस एंगल पर लगा रहा हूँ, क्या उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी आएगा? आएगा कि नहीं? तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मोशन किसकी वजह से होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से। तो पहली बात तो अप्लाइड फोर्स कम हो जाएगा, दूसरी बात क्या होगी, चलो अप्लाइड फोर्स कम हो भी जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और वेट भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी? देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, उससे समझते हैं, प्रूफ से समझते हैं। ये क्या आपका पुशिंग है, ठीक है? ये क्या आपकी पुशिंग है। अब देखते हैं पुशिंग कैसे होती है। देखो अगर मैं इस ब्लॉक को किसी एक एफ फोर्स से, मान लो कोई एफ फोर्स था, कांस्टेंट फोर्स था कोई, उससे मैंने इसको धक्का दिया आगे की तरफ पुश करते हुए, पुश करके मैं आगे की तरफ भेजना चाह रहा हूं उसको, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे अप्लाइड फोर्स के? इसके होंगे कि नहीं? तो फोर्स दो कंपोनेंट, अरे होंगे ना? यस सर। तो इसका एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोले पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और देखो इसी एफ फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है उसका एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि देखो नीचे आ रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स होगा, तो इसका हुआ एक एफ साइन थीटा। अब यहां से आप क्या करो, नॉर्मल रिएक्शन निकालो। पहले नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करके, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करके, यहाँ पर थोड़ा सा इधर निकालते हैं क्योंकि वहां पर शायद टाइप वाला आएगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करो। अब देखो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है, ओनली एन है कि नहीं एन? एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओनली एन है ना? यस। और देखो इसका जो वेट था वो डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड में क्या है आपका, एक तो mg है, एक और चीज दिख रही है आपको डाउनवर्ड में क्या, f sin थीटा दिख रही है कि नहीं वर्टिकली डाउनवर्ड में? यस। एक और चीज माइनस में आ गई क्या, f sin थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से n क्या आ गया आपका, n आ गया आपका mg प्लस f sin थीटा। आया ये, आया कि नहीं mg sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा? ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आ गया, आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स जो होता है म्यू एन होता है कि नहीं? यस सर, होता है ना, आपका म्यू एन होता है। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू पुट कर दो, mg प्लस f sin थीटा, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स, होगा ना? Yes, sir. Yes. अब देखो ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट को मूव कराने में कौन सा कंपोनेंट लगेगा, एफ कॉस थीटा जो है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा कि नहीं? ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल होगा मूव कराने के लिए। बेटा आपका रेस्पॉन्स रेट बहुत कम हो रहा है, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा। बेटा दिव्यांशु आप ना एक काम किया करो,
जो दिव्यांशु आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट आप बोल के रेस्पॉन्स किया करो। जो वंश है, यस सर काफी काफी लोग रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन मैसेज बॉक्स में कर रहे हैं, चैट बॉक्स में ना किया करो। आप बोल के अपने माइक को अनम्यूट करके किया करो जिससे कि मुझे पता चल पाए, क्योंकि मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखती, ये मैसेज चैट बॉक्स नहीं दिखता है आपका। ओके यस सर। अब देखो आपको फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही आपने निकाला उसके बाद क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स अब आप क्या, आपको क्या निकालना है, आपको ये देखना है कि मोशन ये एफ कॉस थीटा करवाएगा, एफ कॉस थीटा अगर मोशन करवाएगा तो कितना मेरे लिए इजी होगा, या फिर कितना एक्सेलरेशन निकाल लो, आप कुछ भी निकाल लो, चाहे आप मोशन के लिए कितना एक्सेलरेशन लगाएगा ये निकाल लो, चाहे कैसे इजी रहेगा कि नहीं रहेगा ये निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो क्या मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर दूं? तो क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा तो बताओ, थोड़ा सा थोड़ा बहुत तो बता दिया करो, आप गलत बताया करो, भले ही आप गलत बताया करो, या फिर अगर मैं इक्विलिब्रियम मान लूं कि चलो भाई मैं सिर्फ वर्ज ऑफ मोशन की फोर्स निकालना चाहता हूं कि एट द वर्ज ऑफ मोशन मुझे कितना फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, एटलीस्ट मूव कराने के लिए, एटलीस्ट मूव कराने के लिए फॉर द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन, फॉर द वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन। अब देखो वर्ज ऑफ मोशन कंडीशन पे क्या होता है, क्या आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है एट द वर्ज ऑफ मोशन, होता है कि नहीं? तो अप्लाइड फोर्स क्या है आपका, एफ कॉस थीटा, अप्लाइड का भाई कंपोनेंट आपका मूव कराने के लिए तो एफ कॉस थीटा ही है ना, यस, एफ कॉस थीटा वर्ज ऑफ मोशन के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ आर के, फ्रिक्शन फोर्स के, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यही है ना, यस सर। तो देखो यहाँ पे एफ एफ कॉस थीटा, क्या ये म्यू का इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, म्यू का इधर करेंगे तो क्या होगा, म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, क्लियर है सबको, यस सर। अब देखो यस म्यू एफ साइन थीटा को मैं इधर लाके एफ कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से एफ कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू एम जी, होगा कि नहीं, यस सर, क्लियर है। अब देखो एफ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो एफ क्या आएगा आपका, एफ आएगा आपका म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस के म्यू साइन थीटा, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है वो चाहिए एटलीस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन पे लाने के लिए इस ब्लॉक, ये फोर्स सही है। ये हमने देखा किसका, पुशिंग का, कि पुशिंग में आपको जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तब आपको इतना फोर्स चाहिए। अब हम देखते हैं पुलिंग में, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे, पुलिंग में देखते हैं सिमिलरली। आप देखो पुलिंग में देखेंगे तो पुलिंग ऐसे ही करेंगे ना, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचेंगे तो खींचे ऐसे ही तो खींचते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से रस्सी बांधो ऊपर आगे की तरफ खींचो या थोड़ा सा किसी एंगल पे खींचो, इसी को तो बोलते हैं पुलिंग, अरे इसी को बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो बताओ, ये क्या है, पुलिंग है। अब देखो पुलिंग अगर इधर है तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, अब इसका कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगा एफ साइन थीटा होगा। सिमिलरली हम यहां पे भी क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालो पहले सिग्मा एफ बाई इक्वल टू जीरो करके, तो क्या आएगा एन, अब देखो एन भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, आपका एफ साइन थीटा भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो यहां पे एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस की एम जी इक्वल टू जीरो, तो आपका एम जी उधर जाएगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्लियर है इतना, यस। अब आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मान लो, ये फ्रिक्शन फोर्स निकालना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन, और म्यू क्या है आपका, म्यू म्यू मतलब वेरिएबल ही फॉर्म में रखते हैं,
एन आपकी है mg माइनस f साइन थीटा। अब आपको निकालना है एट द वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन पे क्या होता है, आपका जो पुलिंग फोर्स है, जो आपका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है फोर्स का, वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यस yes. तो आपका पुलिंग फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, म्यू एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। यहां पे क्या होगा, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय म्यू। अब इधर देखो, इसको जब इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, मान लो एफ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस, देखो ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो एक्सप्रेशन आया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। पुलिंग और पुशिंग में सिर्फ एक अंतर आया आपको, देखो जरा सिर्फ एक अंतर, ओनली ऑन एक अंतर आया कि देखो जो पुलिंग था उसमें इस जगह पे पॉजिटिव साइन आया है, यहाँ पे क्या है साइन पॉजिटिव है, और देखो यहाँ पे क्या है नेगेटिव, नेगेटिव। तो आपको, आप ये बताओ कि आपका पुलिंग फोर्स बड़ा आएगा कि पुशिंग फोर्स बड़ा आएगा, फिर पुलिंग फोर्स बड़ा आएगा या पुशिंग फोर्स बड़ा आएगा, फिर पुशिंग फोर्स, पुशिंग, पुशिंग फोर्स बड़ा आएगा। क्यों, देखो आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो ये हमारा mg आया 100, मान लो ये कोई फोर्स निकालना है हमें, mg आया हमारा 100 डिवाइडेड बाई, अब cos थीटा माइनस के म्यू mg sin थीटा ज्यादा बड़ा होगा कि cos थीटा प्लस के म्यू mg sin थीटा बड़ा होगा, प्लस 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 वाला बड़ा होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें से अगर कुछ माइनस करेंगे तो कुछ छोटा ही होगा। मान लो ये आ गया 5, ये माइनस के साथ आ गया 5, तो क्या ऑब्वियसली प्लस के साथ में कुछ भी आए भले ही, लेकिन 5 प्लस समथिंग आएगा, किसके लिए, पुलिंग के लिए, किसके लिए, पुलिंग, पुलिंग के लिए, ये किसके लिए, पुशिंग के लिए, पुशिंग। ये सिर्फ आपको, ये मैंने 100 एक एग्जांपल लिया है आपको ये बताने के लिए कि आपका जो पुशिंग फोर्स होता है वो हमारा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू पुशिंग के। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमने देखा यहां पर कि जो पुशिंग फोर्स होता है उसका एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है जो कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। अरे नॉर्मल रिएक्शन अगर ज्यादा आएगी तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं? अब ओवरऑल देखोगे, आप ओवरऑल देखोगे इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम जी प्लस के एफ साइन थीटा, और देखोगे आप इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg माइनस के f sin थीटा। इसका मतलब इसकी जो पुलिंग था उसकी नॉर्मल रिएक्शन कम आई है, नॉर्मल रिएक्शन कम आई है इसीलिए आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। बेटा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ क्लियर हो रहा है ना, पुशिंग और पुलिंग में क्लियर हुआ कि आपको पुशिंग ज्यादा इजी होता है कि पुलिंग ज्यादा इजी होता है? पुलिंग, पुलिंग ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पुशिंग के। क्यों? क्योंकि सर आपको एग्जाम्पल आपको देना है रीजन व्हाई, कि आप जो पुलिंग फोर्स होता है उसका एक कंपोनेंट है वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है। नॉर्मल रिएक्शन को अगर कम करेगा तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा तो हमें अप्लाइड फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सिमिलरली पुशिंग में क्या होता है, जो पुशिंग फोर्स होता है उसका एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट वो हमारे नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है तो जो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है इसी वजह से हमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। क्लियर है? यस क्लियर है कि नहीं?
अब ये आपके लिए क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को करो आप, 3 मिनट देता हूं मैं इसके लिए, 3 मिनट, यू हैव 3 मिनट्स, करो इसको। हो रहा है कि नहीं? आदित्य, सौरव, हुआ क्या आप लोगों का? कुछ तो रिप्लाई करो यार आप लोग, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सीन है? करवाऊं या फिर आप लोग कर रहे हो, ये मुझे इतना तो बता दिया करो एटलीस्ट। नीलम, सर करवा दो। ओके देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहाँ पर सरफेस कॉन्टेक्ट में क्या है, कॉन्टेक्ट में क्या है आपका, इस मास के कॉन्टेक्ट में ये वाला सरफेस है, यहां से देखो जब एक्सिलरेशन इधर लगेगा तो
तो क्या इसके ऊपर एक सूडो फोर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या सूडो फोर्स, इसका वीडियो आगे आगे वाले से कर लेते हैं। देखो इस पे क्या होगा, ये जो 10 केजी का जो मास है ना, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स लगेगा, इमेजिनरी। आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आप एक पेपर को लो, जो कॉपी का पेपर होता है, आप पेपर को अपने चेस्ट से चिपकाओ और छोड़ दो, खड़े हुए हो जब आप, जब ओनली खड़े हुए हो उस टाइम पे आप चेस्ट से चिपकाओ तो पेपर नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर को छाती पे चिपका के थोड़ा सा तेज दौड़ने लगे जाओ, क्या वो पेपर नीचे गिरेगा? नो सर। क्या उस पर कोई, उस पर कोई फोर्स लगाया आपने? नो सर। नहीं लगाया। अगर आप एयर को निगलेक्ट भी कर दोगे तो उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी फोर्स लगता है। यस सर। एक इमेजिनरी फोर्स लगता है। ये इमेजिनरी फोर्स दिखता नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी फोर्स का मैग्नेटिक स्केल होता है एम ए के। अच्छा ये देखो, अगर ये ब्लॉक हमारा यहां पर रेस्ट रहना चाह, अगर ये हमें यहां पर रेस्ट रखना है इसको, तो क्या इसका वेट नीचे लगेगा? वेट एम जी नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। अब देखो ये ब्लॉक कैसे मूव कर सकता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव कर सकता है ना। अरे इस पे जब ब्लॉक पर स्लाइड करेगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही नीचे स्लाइड करेगा ना। यस yes. तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड लगेगा या नीचे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड क्या लगेगा आपका? फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होगा? म्यू इंटू एन के। अच्छा अब ये ब्लॉक जब हम दौड़ेंगे, जब हम दौड़ेंगे इस डायरेक्शन में, मान लो दौड़ रहा है, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और स्यूडो फोर्स लगता है जस्ट इसके अपोजिट, क्या यहां से ये ब्लॉक इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन ए ब्लॉक और 10 केजी वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसके परपेंडिकुलर है फ्रिक्शन। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करनी है, हमें नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या है, इसलिए हम इस फॉर्मूले से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो नहीं निकाल सकते नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, तो हम क्या करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब देखो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करने से फायदा क्या होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं? यस सर है। और नेगेटिव वाई डायरेक्शन क्या है आपका? mg, इसलिए माइनस का mg इक्वल टू जीरो। अब देखो fr, fr क्या है आपका? म्यू एन है, fr म्यू एन होता है ना, म्यू एन होता है कि नहीं? म्यू एन इक्वल टू क्या आ गया आपका? mg आ गया, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या है इसमें? 10 kg, और g की वैल्यू भी आप 10 ले लो, डिवाइडेड बाई म्यू क्या है आपका? म्यू, म्यू क्या है? 0.5 है, 0.5 दिया तो डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आ गया? 200 न्यूटन आएगा आपकी एन की वैल्यू। मतलब अगर इसको रेस्ट पे रहना है, इस ब्लॉक पे इसी इसी कंडीशन पे रहना है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो ए ब्लॉक 10 केजी वाले ब्लॉक पे 200 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है, अदरवाइज ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सूडो फोर्स को कंसीडर अगर हम करें, इसको मान लो पी एस बोल देता हूं मैं, सूडो फोर्स, पी एस नहीं, एफ एस, एफ एस। तो क्या मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, एन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, एन है, माइनस माइनस सूडो फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, एफ एस इक्वल टू जीरो। अब देखो n आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन, अरे कैलकुलेट किया है ना हमने 200 न्यूटन, ये n, यहाँ पे 200 कैसे आया? देखो n हमने 200 ऐसे कैलकुलेट किया है कि अभी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने हमने देखा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस। तो अगर हमें इस ब्लॉक को ए ब्लॉक के सहारे फिक्स रखना है, उस पर रखना है कि हमारा मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, ब्लॉक नीचे ना गिरे, सरफेस पे नीचे ना गिरे, तो क्या इस सर 10 केजी ब्लॉक के और ए ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? यस सर।
लगना चाहिए, वो किधर लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि ब्लॉक किधर मूव करना चाह रहा है, नीचे की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो क्या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो वेट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है उसी पॉइंट पे जहां पर है, या फिर आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में सिग्मा एफ बाय इक्वल टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर। तो हमने क्या किया, वर्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है, एफ आर है, फ्रिक्शन फोर्स माइनस वेट किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, यस सर, वो सॉरी वेट, वेट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो आप यहां से देखो एफ आर माइनस के एम जी इक्वल टू जीरो, तो एम क्या है आपका 10 के जी और जी क्या है आपका 10 ले लिया हमने जी, डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू हमें 0.5 जी है, तो हमने 200 न्यूटन आ गया, आपका क्या आया नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन आ गया, समझ में आया बेटा आप 200 न्यूटन कैसे आया? यस सर। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारा एम ए है, एम ए इक्वल टू जीरो, तो हमें चाहिए क्या एक्सिलरेशन, हमें चाहिए एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की वैल्यू निकाल दी हमें, ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या है 200 डिवाइडेड बाई एम, इसका मतलब 200 डिवाइडेड बाई एम क्या है 10 के जी, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, क्या आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं सबको कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, यस इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो, इसके लिए भी आपके पास 3 मिनट है। ट्राई करने की कोशिश तो किया करो आप लोग, आप लोग ना ट्राई ही नहीं करते हो, मुझे लग रहा है ट्राई ही नहीं करते हो, आपको करना है अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 केजी हेल्ड अगेंस्ट द वॉल बाई अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक इज क्या 0.5 किया हुआ है, then find the magnitude of friction force act between block and surface, दोनों के बीच में आपको magnitude of friction force निकालना है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो पूरा है कि नहीं सर, कर रहे अभी, ओके ओके, ट्राई किया करो एटलीस्ट, भले ही ना हो मैं हूं उसके लिए, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको जीरो है, आपका एफर्ट तो जीरो है ना, अगर आप ट्राई करोगे एटलीस्ट गलती करोगे तो गलतियों से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है हमेशा, अगर आप जो गलती अब कर दोगे वो पक्का मैं गारंटी लेता हूँ वो गलती आप एग्जाम में जाके नहीं करोगे, क्योंकि अब की गलती आप सीख लोगे, अभी मैं बता दूंगा आप सीख जाओगे कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं किया जाता, ऐसे जो सर ने बताया ऐसे तरीके से किया जाता, अगर मान लो उसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया आप वो गलती करोगे ही नहीं। गौरव का ऑप्शन ए आया है, गौरव का आ चुका है ऑप्शन ए, यानी कि 2.5 मीटर, बाकी लोग भी करें वेट कर रहे हैं बेटा, तुक्का कोई नहीं मारेगा, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ बेटा कैसे किया आपने, ये बात ध्यान रखना।
और किसी का आंसर आ रहा है? बाकी लोग कर रहे हो या फिर मैं करवाऊं? एक्सेप्ट गौरव, गौरव का आंसर आया है बस। इतना बड़ा या इतना लेंदी क्वेश्चन भी नहीं है बेटा। 5 न्यूटन लग रहा है तो क्या उसके नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन आर, आर जो निकालोगे आप उसी का फॉर्मूला लगा दो, म्यू आर। जरूरी नहीं हर बार एन ही ले नॉर्मल रिएक्शन, इस बार आर ले लिया है नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सरफेस और ब्लॉक के बीच में वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। आप कर रहे हो या फिर मैं करवाऊं? अब मुझे इंटरव्यू कुछ कोई कर रहा है, सिर्फ एक गौरव का आंसर आया था बस, उसके अलावा किसी का नहीं आया। चलो देखो, अभी हमारा क्या है, एक ब्लॉक दिया हुआ है वो किसी सरफेस पे अटैच्ड है, किसी और ने किया है। अच्छा सूर्यांश राणा का ऑप्शन आया है बी। सूर्यांश वेल ट्राइड सूर्यांश, कोई नहीं, आंसर ए ही वैसे करेक्ट है जहां तक मुझे लग रहा है, ए ही होगा। देखो आपका एमजी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इसका। इसकी कंडीशन क्या है, एक ब्लॉक है वो ब्लॉक ऐसे दीवार पर चिपका हो, जैसे आप दीवार पर लगा दो, किसी ब्लॉक को दीवार पर लगा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है कार्टून, दिख रहा है कि नहीं? यस मैंने ये कैलकुलेटर, मैंने ये कैलकुलेटर लिया, इस कैलकुलेटर को इस दीवार पर चिपका के ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे इनवर्ट इनवर्ट फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये किस वजह से रुक रहा है? क्या इस कार्टून के इस कैलकुलेटर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? यस सर। इसका क्योंकि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसको कुछ बैलेंस कर रहा है। तो हमें यही देखना है कि जब ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है, तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, इसको आप एन ले सकते हो, एन ले लो, आप एन से आर से कंफ्यूज हो, एन ले लिया, तो मैं क्या करूं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई कर दो पहले, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करो, अब इसको एक्स डायरेक्शन ले रहे हो, इसको वाई डायरेक्शन, अब एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है एन, है कि नहीं? एन माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो n कितना आ गया आपका 5 न्यूटन, आया कि नहीं 5 न्यूटन? यस सर। n आपका 5 न्यूटन आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है कि म्यू इंटू एन, फॉर्मूला यही होता है ना, म्यू इंटू एन। यस सर। अब म्यू क्या है आपका? म्यू दिया हुआ है 0.5, म्यू आपको 0.5 दिया हुआ है, एन आपके निकाल लिया 5 न्यूटन, तो कितना आया आपका 2.5 फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आपका सिंपल 2.5 न्यूटन आ गया। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड 10 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन की जगह पे एक 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड 10 न्यूटन नेसेसरी टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी on the wall, the coefficient of friction between wall and block is 0.2, then weight of the block is 5 की जगह पे इस बार क्या किया है 10 न्यूटन दिया हुआ है, इस 5 की जगह पे 10 न्यूटन दिया हुआ है कि 10 न्यूटन फोर्स चाहिए आपको किसके लिए, इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम करना है आपको, सेम कंसेप्ट लगेगा इस पे, करोगे इसको? यस सर। इसको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को करके ले आना कल से, कल घर से, ठीक है? यस सर।
टाइम टाइम भी शायद हो चुका है, अभी हम कल कल दोनों फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे एट द सेम टाइम, ओके ओके सर, ओके देन सर, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, सर गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।